हेलो दोस्तों, सबसे पहले मेरा आप सभी को सादर प्रणाम। मेरा नाम है विजय लक्ष्मी भट्ट, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है लक्ष्मी ब्लॉग। तो स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर और स्वागत करती हूँ देवभूमि उत्तराखंड के खूबसूरत से शहर में और इन हसीन शिवादियों में। तो चले दोस्तों, आज का ब्लॉग मैंने शुरू कर दिया है और ये देखो अभी मैं बैठ रखी हूँ पेड़ की छाया में। ये हमारा अमरूद का पेड़ है जो कि मैंने ही काट रखा है, सारा काट काट के इस पर दोबारा पत्ते भी आ गए हैं तो अब ये बहुत प्यारा लगने लग गया। और ये हमारा सफ़ेद गुलाब जो कि बहुत बड़ा पेड़ हो गया इसका, यहाँ देखो इतनी मोटी मोटी वो हो गई टहनी इसकी, ये गुलाब। और इधर हमारे ये तीन नींबू के पेड़ हैं और दो इधर अमरूद के पेड़ हैं, ये वाला अमरूद का है। और ये एक दो और एक उधर से है नींबू का पेड़, है ना, तीन नींबू का पेड़ है और ये अमरूद का पेड़ है। और ये हमारे प्यारे से फूल है और ये देखो हमारी क्यारी कुछ लाल कुछ पीली हो रखी है आजकल। और चलते हैं, आज की धूप भी अच्छी है, खिली खिली धूप है, अभी तो है नहीं बादल, पूरा आसमान नीला हो रखा है और धूप अच्छी है, शाम तक पता नहीं क्या होता है। और आज मेरे गेहूँ भी डाल रखे सुखाने के लिए, ये देखो गेहूँ मिले तो मैंने सुखाने के लिए डाले ये। और ये मेरा धनिया, धनिया की खेती तो ये भी होने वाला है, इसके दाने निकल रहे हैं अब, इसको मैं शाम को डंडी से छोटी सी लट्ठी से कूटूंगी। और ये मेरे न्यू गमले जो कि मैंने लगाए थे यहाँ पे छोटे छोटे पौधे और इन पे अब फूल लगने लग गया, ये देखो प्यारा सा फूल। और तो वेलकम बैक टू दोस्तों, शाम की 6 बज गए हैं और मैं अभी अपनी क्यारी में पानी लगा रही हूँ, सारी सूख गई है। मैंने ये फ्रास बीन के बीज बोए थे, ये छोटे छोटे पौधे ये देखो ये सारे सूख गए हैं, जबकि इनमें मैं रोज़ डाल रही हूँ पानी और कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। और यहाँ पे देखिए कीड़े ने काट दिए हैं। और इतने सारे बीज बोए थे मैंने यहाँ, उनमें से कोई कोई जमे हैं, कोई कोई वो निकले और वो भी कीड़े खा रहे हैं, है ना, क्या करूं। यहाँ पे धूल, दुनिया भर की धूल आती है यहाँ, तो कुछ ये धूल की वजह से भी नहीं हो पाता इनकी ग्रोथ में ना, चाहे कितना भी करो। मिट्टी मिट्टी से क्या कर रही है, बटरफ्लाई, मिट्टी की बटरफ्लाई क्यों बन नहीं सकती? नहीं नहीं बन क्यों नहीं सकती, मिट्टी की तो, मिट्टी की तो इतनी अच्छी मूर्ति बन रही, भगवान जी की मूर्ति बन रही, बर्तन बन रहे, बटरफ्लाई की मतलब बन नहीं सकती ना, ये बोल रही है तू तो। और नाखूनों के अंदर घुस जाएगा ना वो मिट्टी, तब बनाएगी बटरफ्लाई। बहुत मजा आता है ना, उठ पटांग कन मा तो बहुत मजा आई। अरे पर टूट जाएगा वो, लकड़ी है वो टूट जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है, वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करना। तो अगली वीडियो के लिए लेके आएंगे अच्छी वाली वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।